औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे तिराके नज़ला के बारे में। कर्शी की ये प्रोडक्ट है और इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये 100 ग्राम की इसकी पैकिंग है। आप ये देख सकते हैं, गर्मी में जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसकी प्राइस देख लेते हैं, 100 रुपये इसकी प्राइस है और ये इसके खास हैं। तो व्यूअर्स, मैं हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो आपकी और आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन हो और आपको सेहतमंद रखें। तो आज हम लोग बात करेंगे तिराके नज़ला की, तो मैं आपको इसके ख्वास बता देता हूँ। जैसा कि इसके ख्वास में है, ये गर्मी के नज़ला ज़ुकाम को दूर करता है। अगर आपको जब नज़ला होता है तो आपका दिमाग फिगर होता है, जिसकी वजह से आपको काम करने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और आपकी डेली की रूटीन ख़राब हो जाती है। आप दिन भर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, आपको रात को भी नींद बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि आपका दिमाग बिगड़ रहा होता है। तो उसका फौरी इलाज करना चाहिए। तो आप अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम है या खांसी है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप कर्शी की ये प्रोडक्ट है, कहीं से भी आप इसे लेके आप इस्तेमाल करें। ये गले खराश में बेहतरीन है, खांसी में बेहतरीन है, और अगर नज़ला ज़ुकाम आपको गर्मी का है, सर्दी का है, तो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके अच्छे नतज हासिल करना चाहते हैं तो आप इसे लौके सपिस्तान के साथ इस्तेमाल करें। उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता चलूँ। आपने रात को एक चमचा सुबह नहार पे एक चमचा आपने लेना है, नीम गर्म पानी के साथ या चाय के साथ आप इसे ले सकते हैं। और अगर हाफ चमचा आपने इसका लेना है तो हाफ चमचा आप लौके सपिस्तान का ले लें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसके बेहतरीन नतज मिलेंगे। एक दो खुराक लेने से ही आपका नज़ला ज़ुकाम बेहतर आपको फील करेंगे और इसे जल्दी दूर करने में मददगार है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।